नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। सबसे पहले आज एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो हमारे सिस्टम से, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। पहले उस बच्ची की आबरू पर आंच आई और फिर कुछ ऐसा हुआ कि भविष्य भी अंधेरे में नजर आने लगा। वो पीड़ित थी लेकिन उसके साथ दोषियों जैसा सलूक हुआ। स्कूल में ही उसका गैंगरेप हुआ और स्कूल ही उसका भविष्य भी बिगाड़ने लगा है। रेप विक्टिम होने की वजह से देहरादून के नामी स्कूलों ने उसे एडमिशन तक नहीं दिया। शिक्षा मंत्री ने एडमिशन दिलाने का भरोसा दिया लेकिन बेकार साबित हुआ और उसे उत्तराखंड से बाहर एडमिशन लेना पड़ा। आखिर चरित्र निर्माण का दावा करने वालों का यह कैसा चरित्र है? बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि शिक्षा के इन सौदागरों पर सरकार का अंकुश कैसे ढीला पड़ गया। शिक्षा के मूल अधिकार की रक्षा आखिर करेगा कौन? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा क्या सिर्फ नारा है उत्तराखंड में? चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट बताते हैं। कहने को आधुनिक शिक्षा के पैरोकार, बच्चों के चरित्र निर्माण का दावा करने वाले ठेकेदार, नौनिहालों को नैतिकता सिखाने वाले शिक्षा के सूरमा, लेकिन सोच इतनी बोनी कि सोचना पड़ जाए आखिर इनकी खुद की सोच यह है कि बच्चों को क्या सिखाएंगे। देहरादून के एक नामी स्कूल की चार दीवारी ने एक दसवीं की छात्रा को जिंदगी भर ना भूलने वाला दर्द दे दिया। स्कूल में ही चार छात्रों पर बलात्कार के आरोप लगे, मामले को दबाने की कोशिश हुई और उसके बाद गर्भपात कराने की भी कोशिश की गई। एक स्कूल में बलात्कार हुआ तो देहरादून के बाकी नामी स्कूलों के लिए वो अछूत हो गई। किसी भी स्कूल ने उसे एडमिशन नहीं दिया। दोषी बलात्कार करने वाले थे, स्कूल प्रशासन था, लेकिन शिक्षा के सौदागरों ने पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, उसके घाव को कुरेदने का काम किया। हाल ये हुआ कि उस पीड़ित को उत्तराखंड से बाहर एडमिशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस वक्त उम्मीद थी सरकार से, शिक्षा मंत्री से, उन्होंने दावे भी दमदार किए, ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की कसम खाई तो पीड़ित को एडमिशन दिलाने का भी भरोसा दिला। एडमिशन मिलना चाहिए, मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया हुआ है और कल तक मेरे पास जवाब आने वाला है। उस बच्चे का एडमिशन जहां उसके माँ बाप चाहेंगे, जिस स्कूल में चाहेंगे वहां पर दाखिला होगा, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। अगर जो वास्तव में किसी स्कूल ने एडमिशन लेने से मना किया तो उसका परीक्षण हम कर लेंगे और निश्चित ही ये तो सामाजिक उत्पीड़न है। अगर जो बच्ची कहीं एडमिशन लेने गई, किसी ने मना किया, तो ऐसी घटनाओं में तो जो समाज इतना बड़ा होता जा रहा है, बेहद होता जा रहा है, और ऐसे टाइम में उस बच्ची को संरक्षक बन के, उस बच्ची का संरक्षक बन के समाज को खड़ा होना चाहिए, स्कूल वालों को भी खड़ा होना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत आप बता कि किसी ने एडमिशन लेने से मना किया, वास्तव में ऐसा है तो ये बहुत चिंतनीय है और इसकी समीक्षा की जाएगी। शिक्षा मंत्री का ये दावा शिक्षा के ठेकेदारों के आगे बौना हो गया। शिक्षा मंत्री का बयान सिर्फ मीडिया की बाइट बनकर रह गया। आधुनिक शिक्षा के सौदागरों की पिछड़ी सोच पीड़ित के शिक्षा के अधिकार पर भारी पड़ गई। रही सही कसर सरकार के लचर रवैये ने पूरी कर दी। मजबूरी में उत्तराखंड छोड़कर यूपी के एक स्कूल में उसे एडमिशन लेना पड़ा। दे रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई न करना ये बड़ा दुखद है और ये बड़ा शर्मनाक भी है और ये उत्तराखंड के लिए तो बहुत ही बड़ा कलंक है कि ऐसे स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बड़े नारों को लेकर के चलती है, चाहे मोदी साहब हो चाहे उत्तराखंड में त्रिवेंद्र जी हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, इस प्रकार की मनमर्जी करना जो है अपने सामाजिक दायित्वों से भागना भी है और दूसरी ओर अगर हम देखें तो शिक्षा की मूल भावना का भी ये सीधा सीधा उल्लंघन है। जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं और उस मौके पर जब हम एक पीड़ित बालिका को अपना प्रवेश नहीं देते तो हम इन दोनों भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं। अब कानून के दायरे में कितनी कार्रवाई की स्थिति आएगी ये सरकार इसके बारे में देखेगी, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। आखिर चरित्र निर्माण का दावा करने वालों का ये कैसा चरित्र है? नैतिक पाठ पढ़ाने वाली ये कौन सी नीति है जहाँ पीड़ित के साथ दोषी जैसा सुलूक हो रहा है? जिसे सहारा मिलना चाहिए उसे दुत्कारा जा रहा है और सरकार जो आखिरी उम्मीद थी उसकी बातें सिर्फ बातें ही रह गई। आखिर ये मानसिकता कब बदलेगी? कब ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई होगी? कब पीड़ित को इंसाफ मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल बहुत बड़ा ये है कि सिस्टम आखिर कर क्या रहा है? क्या सिर्फ स्कूलों की मनमानी यहां पर चल रही है इसलिए एक बच्ची को देहरादून में एडमिशन नहीं दिया जाता, उत्तराखंड से बाहर जाकर उसे एडमिशन लेना पड़ता है?
सीधे रुख करते हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हनी पाठक नेता है बीजेपी की, कमलेश रमन नेता है कांग्रेस के, सुजाता पाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं और अजीत राणा सदस्य हैं स्कूल एसोसिएशन के। आप चारों का बहुत स्वागत है उत्तराखंड की आवाज में। सबसे पहला सवाल हनी पाठक आपसे मेरा, हमें अधिकार मिले हैं कुछ, इस भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं और उसमें से एक अधिकार है शिक्षा का, लेकिन उस संवैधानिक अधिकार को भी उत्तराखंड में चकनाचूर कर दिया गया और उस बच्ची को एडमिशन नहीं दिया, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? देखिए ऐसा है ना कि किसी के घर में क्या बन रहा है, क्या पक रहा है, जब तक जानकारी नहीं होती है तब तक सरकार के ऊपर जवाबदेही नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे ही बाल आयोग की अध्यक्षा श्रीमती उषा नेगी जी और सदस्य सीमा डोरा जी वगैरह के संज्ञान में ये मामला आया है, उसके बाद इन्होंने त्वरित कार्रवाई करने की प्रयास पूरा किया और उस लड़की से जाकर मिले भी हैं और उस लड़की से जाकर मिलकर यह भी कहा गया है कि अगर आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो कृपया लिखित में मुझे एप्लीकेशन दें, जिस स्कूल में आप चाहेंगे उस स्कूल में मैं आपका एडमिशन करवा। और ये हमारे सरकार की तरफ से भी कही हुई बातें थी कि अगर वो बालिका हम लोगों को कुछ भी रिटर्न में देती है या कोई बात होती है तो हम लोग जिस स्कूल में बालिका चाहेगी उस स्कूल में एडमिशन कराएंगे। पाठक जी, क्या आप इंतजार कर रही थी कि स्कूल अपनी मनमानी करें, बच्ची उत्तराखंड के बाहर जाए, फिर आप देखिए सरकार एक्शन ले, आयोग एक्शन ले? नहीं नहीं, ये कहना बिल्कुल कहना गलत है आपका। ये कहना किसी घर में क्या पक रहा है, जानकारी नहीं होगी कि वो बालिका कहीं और स्कूल में। नहीं नहीं देखिए ऐसा, ये इनका पर्सनल मैटर था कि ये किस स्कूल में जाके एडमिशन लेंगे, लेकिन जब स्कूल वालों ने इनको एडमिशन दिया ही नहीं उसके बाद तुरंत जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में मामला आया है इसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही करी गई है और जिस जिस स्कूल का नाम उस बच्ची ने बाई चांस लिया था या बताना चाह रही थी उसके खिलाफ कार्यवाही करने के हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। ठीक है, आपका कहना है कि हमें जब बात पता चली है उसके बाद हम कार्रवाई के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन अभी भी बच्चे को एडमिशन तो कहीं नहीं मिला है। प्रयासरत है उसके खिलाफ कार्यवाही करने में और उस स्कूलों का नाम लेने में उस बच्ची से, हम लोग प्रयासरत हैं। मैडम कार्यवाही तो ये जाहिर सी बात है कि वो किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाने की वजह से उत्तराखंड से बाहर गई थी। एक सर्कुलर मैम, ये आप समझती हैं बात को, जब कहीं एडमिशन नहीं मिला होगा तभी उसे उत्तराखंड से बाहर जाना पड़ा होगा। ये सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, बिल्कुल ऐसा है, जैसे ही वो तुरंत चली गई ना बाहर, अगर वो यहाँ पे रहती तो हम लोग उसका एडमिशन करवाते और हम इंतजार करते। अक्टूबर आ गया है लेकिन इंतजार करते और जितनी ज्यादा कार्यवाही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर, जब पता ही अभी लगा है तो हम लोगों का इंतजार करते वाला शब्द आप कैसे कह सकते? ठीक है अनि पाठक जी, जब पता ही अभी लगा है और हर तरह की कार्यवाही। मैं आऊंगा अनि पाठक जी आपसे, आपके पास आऊंगा, आपसे जवाब भी लूंगा, एक एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हर स्कूलों में होना चाहिए सीबीएसई, उसमें प्ले का टाइम मिलना चाहिए। ठीक है अनि पाठक जी, आपकी सरकार क्या कर रही है, क्या होना चाहिए, मैं पूछूंगा आपसे। कमलेश रमन जी हमारे साथ मौजूद है। कमलेश रमन, क्या ये आप मानते हैं कि स्कूलों की मनमानी के आगे प्रशासन और शासन का कोई भी रवैया नहीं चल पाया, सिर्फ स्कूलों की मनमानी चली और उस बच्ची को एडमिशन नहीं मिला? कि हम लोग पूरे देश के अंदर एक नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा कैसे सार्थक होगा जब एक बेटी को एडमिशन नहीं मिलेगा? एक तो वो पहले से ही शोषित है, एक तो वो पहले से ही मानसिक तौर से गुजर चुकी है, और दूसरा उसे यहाँ के जो नामचीन स्कूल हैं कॉलेज हैं अगर एडमिशन नहीं देंगे उस बच्ची को तो उसका तो और भी ज़्यादा शोषण होगा। तो क्या ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस बच्ची की मदद करके क्यों वो शहर से बाहर गई? ये कमियां कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की बनती हैं, क्यों उन स्कूलों ने उस बच्ची को एडमिशन नहीं दिया, इस पे सवालिया निशान उठता है। और इस पे हर समाज की बच्ची ही नहीं की बात नहीं, इस पे हम महिलाओं को भी क्या ये स्कूलों की मनमानी है, स्कूलों का ये रवैया है? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूलों की हर धर्मी चल गई है, उनको ऐसा लगता है कि हम अपनी मर्जी से जो चाहे कर दें, जिस बच्चे को चाहे निकाल दें, जिस बच्चे को चाहे रिस्टिगेट कर दें, चाहे किसी का एडमिशन हो या ना हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मनमानी ढंग से अपने जो पैसे वसूलने हैं, मोटी मोटी फीस वसूलनी है, केवल उन्हें इससे मतलब है। लेकिन कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की इसमें जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूलों को निर्देशित करें कि इस तरह के अगर बच्चे आते हैं तो उनका और शोषण ना किया जाए, क्योंकि वो तो पहले से ही शोषित है, आप उनको दोबारा फिर शोषित कर रहे हैं, तो किस तरीके यही तो सवाल है सबसे बड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमने नारा दिया है पूरे देश के अंदर। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास फिर। सुजाता पाल सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी एक कमेंट ले लेते हैं हम। सुजाता पाल जी, स्थिति आप खुद देख रही हैं, एक तो स्कूलों की मनमानी, चाहे फीस की बात हो, चाहे किताबों में क्या लागू करना है, कौन सा कोर्स लागू करना है उसकी बात हो,
सब पर स्कूलों की मनमानी चलती है, लेकिन अब तो हद हो गई है। क्या आप ये समझती हैं कि स्कूलों पर लगाम लगना चाहिए या फिर हमारे सामाजिक ताने बाने को और दुरुस्त करने की जरूरत है? मृदुल जी, ये देखिए कि ये मामला एक बच्ची का मामला है और एक ऐसी बच्ची का मामला है जिसके साथ शोषण हो चुका है। तो कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों की जिम्मेदारी थी कि आगे बढ़ के आती और ये देखती कि इस बच्ची के साथ और गलत नहीं होता। शासन और प्रशासन का जहां तक सवाल है, जिस वक्त इस बच्ची के साथ गलत हुआ, ये मामला उठाया गया, सब कोई इस बारे में बात कर रहे थे, तो क्या सरकार सो रही है? आज तक क्यों नहीं उन्होंने देखा, क्यों नहीं हाथ बढ़ाया उस बच्ची की तरफ? दूसरी तरफ कांग्रेस को देखिए, ये विपक्ष में है, क्या ये सड़कों पे आए? क्या इन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात करी? नहीं। इसका मतलब है कहीं पे जो हमारे नेता हैं वे ये भूल जाते हैं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और उनका काम है ये देखना कि समाज में जो परेशानियां लोगों को होती हैं उनको कैसे सुलझाया जाए। दूसरी बात, जहां तक स्कूलों की बात है तो ये बहुत ही दुख की बात है और मैं एजुकेशनिस्ट हूं, मैंने कई साल पढ़ाया है और मुझे ये सोच के भी बड़ा दुख हो रहा है कि उस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या ये जरूरी नहीं था कि जो स्कूलों की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस बात को देखते? किस तरह से आज उस बच्ची का नाम उछल रहा है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ, ये बात तो पीछे रह जानी चाहिए थी। आज हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही जो ताना बाना है ये बुना गया है और स्कूल सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार भी जिम्मेदार है, विपक्ष भी जिम्मेदार है, क्योंकि एक बच्ची को सभी कोई जिम्मेदार है। मैं आपके पास फिर आऊंगा, उसके पहले हमारे साथ अजीत राणा जुड़े हैं, एक सवाल उनसे ले लूं। अजीत राणा जी, सदस्य आप स्कूल एसोसिएशन के, जब किसी भी स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया, क्या एसोसिएशन को यह बात पता नहीं थी या फिर स्कूलों ने पहले ही सलाह मशवरा कर लिया था कि हम इसे एडमिशन नहीं देंगे? देखिए, स्कूलों को, हमारी एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो एसोसिएशन को इसके बारे में कोई भी पता नहीं था। ना तो हमारे पास सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया, ना पेरेंट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया, से पहले सरकार ना ही से जिस स्कूल की बात की जा रही है जिसने एडमिशन नहीं दिया। नहीं तो हमारे पास कोई आया ही नहीं है ना सर, कोई हमारे को, हमारी एसोसिएशन के पास कोई आता है कि आपके किसी स्कूल में एडमिशन कराना है, सीट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको एडमिशन दिया जाता। अजीत राणा, लेकिन हमारे पास छोटी सी चीज समझिए आप, कोई नहीं आया। एक नॉर्मल सा व्यक्ति अगर स्कूल में एडमिशन लेने जाता है, मैं नॉर्मली कहूंगा सर, मेरे शब्दों पर गौर करिएगा, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक आम आदमी अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराना जाता है, तो कौन सी सरकार उसमें कहती है या कौन सा शासन और प्रशासन के अधिकारी वहां पर एडमिशन के लिए आपसे कहते हैं? स्कूल की जिम्मेदारी बनती है ना एडमिशन देना। मैं वही कह रहा हूं, इस मामले में हमारे पास में पेरेंट तो नहीं आया। अगर सरकार कह रही है कि सरकार ने इसका कुछ एडमिशन कराने का कुछ लिया हुआ था कि हम एडमिशन कराएंगे, तो हमारे पास कोई सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार एडमिशन कराती है, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि हमारे पास में कोई रिप्रेजेंटेशन किसी भी साइड से नहीं आया, ना तो पेरेंट की साइड से आया, ना ही गवर्नमेंट की साइड से आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार का एडमिशन कराने का उसमें कोई, मैं रिप्रेजेंटेटिव बन जाता हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कौन से स्कूल में एडमिशन आप देंगे? एसोसिएशन के सदस्य ना आप, न्यूज़पेपर आपने उसके बाद पढ़ा होगा, आपके एशियन स्कूल उसमें खुद, सर मैं यहाँ पर न्यूज चैनल पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ और अभी तक एडमिशन नहीं मिला है। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे जी कि एडमिशन में देरी हुई मान लिया, आपने कहा सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा, वो भी मान लेता हूँ सर, लेकिन एक बच्चे को आपके उत्तराखंड में एडमिशन नहीं मिला, देहरादून जहां पर दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, क्या सिर्फ स्कूलों की मनमानी यहां पर चलेगी? उस बच्चे को बाहर जाकर एडमिशन लेना पड़ता है सर उत्तराखंड से। सर इसमें स्कूलों की मनमानी कहां है ये मुझे आप बताइए। किसी बच्चे को एडमिशन नहीं देना ये मनमानी तो है, कि हम उस बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे ये कोई नहीं बता रहा। के बिहाफ में कहता हूं सर ये बात। हाँ कहिए सर। कौन नहीं, देखिए स्कूल में एडमिशन नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि स्कूल ने क्यों मना किया, कारण कुछ भी हो सकता है। एक कारण जो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये बात है कि आपके स्कूल में सीट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, 40 सीट एक क्लास में दी जाती है। अगर स्कूल में 40 सीट हैं, सपोज दो सेक्शन है, 80 सीट हैं, अगर स्कूल में सीट सारी फिल हैं तो आप उतने से ज्यादा एडमिशन नहीं दे सकते। अगर आपके पास में 40 से कम है, 40 सीट है, 35 सीट खाली नहीं है, उससे कम है, तो आप एडमिशन दे सकते हैं जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सीट ही नहीं थी, ये कारण हो सकता है,
लेकिन ऐसा लगता नहीं है इस केस में कि ये कारण हो सकता है। हो सकता है। अनी पाठक, आपने बहुत सारी बातें कही, कहा कि हमें पता नहीं चला नहीं था। है तो मैं भी एसोसिएशन की तरफ से ये कहूंगा कि वाकई गलत हुआ है, स्कूल को एडमिशन देना चाहिए था इस केस में, लेकिन अगर सीट अवेलेबिलिटी है तो ठीक है। आऊंगा जी, जी आपके पास वापस आऊंगा। हनी पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक सवाल कर लेता हूं। हनी पाठक जी, क्या बच्चे आपका वोट बैंक नहीं है इसलिए आपकी नींद देर से खुली? देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है कि बच्चे हमारा वोट बैंक नहीं है तो हमारी नींद खुली कि नहीं खुली। क्यों कहना गलत है, बताइए ना। एडमिशन मिला होता तो मैं आपसे कहता ही नहीं कुछ। हनी पाठक जी, नहीं मृदुल जी, आपसे कुछ कहता ही नहीं। जब आप मेरी बात को खत्म होने दीजिए, जब आपने कोई सवाल किया है मृदुल जी, तो उसका जवाब भी तो मैं दूंगी ना। आपने कहा कि बच्चे अगर आपका वोट बैंक नहीं है तो आप उन पर ध्यान नहीं देंगे। पॉस्को एक्ट में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होने पे फांसी की सजा देने वाली हमारी केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश लाया था। और तो एक बच्ची को एडमिशन ना देने वाली भी पॉस्को एक्ट में बदलाव में लाया था। स्कूलों की मनमानी के आगे आपकी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, वो भी आपकी सरकार। खत्म करने दीजिए, फिर आपके चैनल में बंद हो जाएगी डिबेट। मुझे मेरी बात खत्म होने दीजिए। ये क्या वो नाबालिग बच्चियां क्या हमारे वोट बैंक में, वो भी तो 18 साल से कम उम्र की है, लेकिन क्या उनको हम लोगों ने वोट बैंक की राजनीति में मान के रखा? अरविंद केजरीवाल जी माननीय जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, इन्होंने लगातार बयान दिया इसको लेके कि मैं उन स्कूलों की छानबीन करके पता लगाऊंगा कि वो कौन कौन से स्कूल थे जिन्होंने इस बच्ची को एडमिशन नहीं दिया, मैं उनकी मान्यता रद्द करवाने की पूरा प्रयास करूंगा। आप इस एक कदम आगे बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट में दी गई है। कार्रवाई करेंगे, बहुत अच्छी बात है। कार्रवाई का हम भी इंतजार करेंगे, कौन से स्कूल पे आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन स्कूलों को इतनी दम पड़ भी रही है, स्कूलों को इतनी दम कैसे आई कि किसी बच्ची को वो एडमिशन नहीं देते? स्कूलों में ये दम कहां से आई, किसकी शय पर आई? सवाल मेरा आपसे ये है, कार्रवाई करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्कूलों को इतनी दम आई कहां से? स्कूलों में लगाम मृदुल जी, स्कूलों में लगाम अगर किसी सरकार ने लगाया है तो वो हमारी सरकार है। प्रकाश जावड़ेकर जी का बयान अभी आपने दो दिन पहले सुना होगा। मैडम, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। आपकी लगाम दिख गई, कितनी टाइट और कितनी ढीली है। आपके स्कूल में, कोई भी बच्चे के स्कूल में कोई एडमिशन नहीं मिला मैडम, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको याद होगा, पेरेंट्स को जवाबदेही नहीं होनी चाहिए, वो कहीं से भी कॉपी किताब खरीद सकते हैं। स्कूल के ड्रेस में बाध्यता नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का लगातार स्कूलों में बच्चे को एडमिशन मिल गया, हमारी सरकार द्वारा लगाई गई है। बच्ची को क्या एडमिशन मिल गया? ऐसा है, देखिए, वो यूपी में जाके एडमिशन ले चुकी। अगर वो यहाँ रहती तो मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा रही हूँ कि उसको एडमिशन हम दिलाते हैं, और अगर वो चाहती तो है तो जरूर होना पड़ा उसे यहाँ से बाहर जाने में। कमलेश रमन जी, सवाल आपसे मेरा यही है, आप भी कहीं नहीं दिखे। ऐसे ही हर मसले को लेकर आपको दिखता है कि अपना फायदा हो रहा है, वहाँ पर आप चले जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। इसके पर बाल आयोग द्वारा लगातार कार्यवाही चल रही थी इस पे। ठीक है, बाल आयोग जी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई होगी, कार्रवाई क्या होगी ये भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल ये कि स्कूलों की मनमानी पूरी गारंटी के साथ कैसे इतनी हिम्मत पे बैठ के कह रही हूँ, स्कूलों में लगाम जितनी ज्यादा हमारी सरकार के दौरान लगाई गई है, किसी सरकार में हिम्मत नहीं। ठीक है अनी पाठक जी, लगाम लगा के दिखा दे। वापस एनसीईआरटी के सिलेबस से लेके हर चीज हमारे ही स्कूल द्वारा लगाए गए, हमारी ही सरकार द्वारा। आपका बखान हो गया हो और आपकी तारीफें हो गई हो अनी पाठक जी, तो मैं कमलेश रमन जी से सवाल ले लेता हूँ। कमलेश रमन जी, बहुत सारे मुद्दे मैं तारीफें बेबुनियाद की नहीं करती हूँ, वो तारीफें कर रही हूँ जो हमारी सरकार में अच्छाई है। मैं तारीफें नहीं कर रही, बुराई को भी एक्सेप्ट करिए ना। सरकार अच्छी चीजों में उसकी बातें बता रही हूँ। मैडम, आप तारीफ कर रही हैं, एक विक्टिम को आप एडमिशन नहीं दिला पाती स्कूलों में, उसको उत्तराखंड से बाहर जाना पड़ता है। कौन सा सिस्टम है आपको दिलाने का? पूरा ऐसा है, देखिए, विक्टिम अगर यहाँ रहती तो उसको एडमिशन भी मिलता। मैडम, उसे यहाँ एडमिशन नहीं मिला इसलिए तो वो बाहर गई है। रहती का मतलब क्या है? वो रहती यहीं पर है आज भी, लेकिन उसे एडमिशन बाहर लेना पड़ा। जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया मृदुल जी, ये मामला जैसे ही प्रकाश में आया, हम लोग एडमिशन दिलाने के लिए आगे आ गए थे। और दिलाते और आप ना, मौका तो देते, मान लीजिए ना, विक्टिम मौका तो देती, वो दिलाते, हम नहीं दिलाते। आपको मौका क्यों नहीं मिला? इस पर भी मैं आऊंगा। कमलेश रमन, मिलता उसे मौका यहाँ पे एडमिशन लेने का। ठीक है अनी पाठक जी, अगर एडमिशन मिल जाता तो मैं आपसे सवाल करता ही नहीं। कमलेश रमन जी, सवाल आपसे मेरा यही है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, प्रदर्शन के लिए आप आगे आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, सरकार की नाक में दम कर देते हैं, अब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं है आपको इससे?
बिल्कुल आप मृदुल जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, सहमत हूँ इस बात के लिए, लेकिन अगर जरा सा भी भनक लग जाती है, पता लग जाता तो वाकई जब पहले उसके साथ ये घटना घटी तो पहले हम लोग गए, हम लोगों ने सबने इस चीज को रखा, जो भी हमारे स्थानीय नेतागण थे सब लोगों ने बात रखी, लेकिन बात एक बच्ची की शिक्षा के ऊपर है, उसके भविष्य का सवाल है, उसके करियर का सवाल है, खाली बड़ी बड़ी बातें बना करके हम लोग चैनल से चले जाएं और बच्चियों की तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि जो नारा इतना बड़ा दिया गया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, वो सार्थक होता कहीं नजर नहीं आ रहा है। हम तो बड़े सरकार आपने बहुत बोल दिया, पूरी डिबेट आपने खत्म कर दिया, आपने खाली आप सरकार की तारीफ कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आप अपनी जगह पे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आप अपने शिक्षा मंत्री से एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और लड़िए मत, कम से कम हनी पाठक जी आपकी बात सबने सुनी, बड़ा गंभीर मुद्दा है, मैं चाहता हूँ कोई इस पर बहस न करे, कमलेश जी जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं जिनके साथ इस तरह से कोई शोषित हो जाती है या उसके साथ शोषण हो जाता है, तो उस बच्ची को कहीं ना कहीं प्राथमिकता के आधार पर एडमिशन भी मिलना चाहिए और उसको प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए, ना कि उसको दूसरे शहर में जाके एडमिशन लेना पड़े। ये तो सरकार के ऊपर एक किस्म से सवालिया निशान है, एक बहुत बड़ा धब्बा है उत्तराखंड की सरकार पर कि उन्होंने उस बच्ची का एडमिशन बाहर कराया। आप बच्ची को बुलाइए और कहिए कि एडमिशन आपको यहां दिलाएंगे अच्छे से स्कूल में, तब तो हम बात भी मानते हैं। आपको भी मामले का कहीं से पता नहीं लगा, सरकार को भी कहीं से पता नहीं लगता है। सुजाता पाल जी, आखिर ये लूप होल कौन है? क्या स्कूलों को वाकई इतनी शह प्राप्त है कि वो अपनी मनमानी करते हैं? जी देखिए मृदुल जी, जहां तक स्कूल की बात है, इस वाले स्कूल की जहां पे ये पूरा प्रकरण हुआ था, उस स्कूल को अगर एनओसी दी गई थी सरकार द्वारा, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कौन से बोर्ड के लिए दे रहे हैं। उन्होंने एनओसी दी और इस स्कूल का एक स्कूल आईसीएसई बोर्ड का और ये वाला स्कूल जो था सीबीएसई बोर्ड का था, जहां इस बच्ची के साथ ये सब हुआ। तो इसका मतलब ये है ना कि हमारे यहाँ तो नेता बस हर पत्थर के नीचे से निकल के बन गए हैं, इनके अंदर अकाउंटेबिलिटी है नहीं। आप तो आज की डिबेट को देख रहे हैं, खाली बोर्ड में बोलने से नहीं होता है। आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर कितने आए आप उस लड़की के? आप मुझे बोलने दे। कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी, आरोप लगाने का काम है। कमलेश जी, कम से कम पहले अपने अंदर को देख लें आप, आपकी पार्टी के अंदर क्या हुआ, आपने क्या इस मुद्दे पर किया, फिर आप किसी दूसरे पर सवाल उठाना। आपने क्या किया? आपने सरकार से क्यों नहीं पूछा? हमने किया, आप बता दें जो कर सकते थे वो किया? आप लोगों से जवाब पर बैठे आपको इतना बड़ा बड़ा, हमने सरकार से पूछा, आपकी जवाब दे, लोगों से भी कहा, आपको शायद याद नहीं है एक डिबेट पे मैंने आपसे भी कहा था कि आप लोगों को सड़क पे आना चाहिए, आप लोग आए क्या? बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, आप सड़क पे, आप समाज में नहीं, आप सड़क पे नहीं, हम सड़क पे। ठीक है कमलेश जी, एक सेकंड, कमलेश जी, एक सेकंड, कमलेश जी किसी एक को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, जो जिम्मेदार है उसको कहेंगे, 10 बार कहेंगे। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इशू। ठीक सुजाता पाल जी, कंप्लीट करें, सुजाता पाल जी आप अपनी बात करें। आप महिलाएं हैं, महिलाएं होने के बावजूद आप इस तरह बात कर रही हैं, ये देखना चाहिए कि अब क्या किया जाए उस बच्ची को, तो ये कहिए बच्ची को स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। कमलेश जी, कमलेश जी शांत हो जाइए, लेके आइए उस बच्ची को वापस, कमलेश जी सरकार में दबाव बनाने का काम आपका है। ठीक है, ये दबाव बनना चाहिए था लेकिन ये दबाव नहीं बनाए। और अजीत राणा जी, मैं आपके पास फिर रुख करूंगा और सवाल सीधा मेरा यही है, क्या स्कूल इतने बेलगाम हो गए हैं कि उन्हें किसी की कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी क्या स्थिति है, जो उनको करना होगा वो करेंगे? देखिए सर, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, कोई भी स्कूल एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर रहा है। अगर किसी स्कूल में सीट्स फुल हो गई, मुझे नहीं मालूम है कि उस स्कूल में स्थिति क्या थी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वाकई नहीं दिया है, अगर इतने सारे इफ और बट हैं तो वाकई निंदनीय है, स्कूल का तो कोई मतलब ही नहीं है ना सर। सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप बेलगाम बोल रहे हैं। हाँ जी कंप्लीट कर दीजिए, लास्ट मिनट आपके पास। मैं ये कह रहा हूं अगर स्कूल में सीट्स अवेलेबल हैं और नहीं दिया है एडमिशन तो वाकई निंदनीय स्थिति है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो है और ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कदम उठाए जाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल आप चारों का बहुत शुक्रिया उत्तराखंड की आवाज में शामिल होने के लिए। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आपको और हमको एक अधिकार मिलता है, वो अधिकार हमें संविधान में दिया गया है शिक्षा का, लेकिन उस अधिकार का हनन उत्तराखंड में एक मासूम बच्ची के साथ किया गया और जवाब देने वाला कोई नहीं है, न स्कूल है, न सरकार है, न विपक्ष है, कोई भी नहीं है। उस बच्ची को उत्तराखंड से बाहर जाकर एडमिशन लेना पड़ा और अब जाकर कार्रवाई की बात की जा रही है। क्या होगा, कैसे होगा,
ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।